रेट तो हम आपको करेंगे, ये तो मेरा वादा है आपसे। हाँ पक्का। कहाँ पे पीना, सोडा पीना, जो भी आपका मतलब दिल करे। हेलो विवेक, विवेक नाम है। हाँ हाय। हाय, कैन आई सिट? क्या कर रहे हो? नथिंग एक्चुअली, मैं यहाँ पे, मेरा एक डांस अभी शूट होना है कुछ दिन बाद ही, उसकी तैयारी चल रही है। सो उसका लोकेशन देखने आए थे, सो आपको लोकेशन देख लिया था मेरा। कहाँ पे लोकेशन देखा? लोधी गार्डन में ही देखा। अच्छा, तो क्या आप डांस टीचर हैं? ओके, आई नो, आप डांस टीचर हैं? नो, आई एम नॉट डांस टीचर, आई एम एन एक्टर। एक्टर हो? बढ़िया यार, फिर इसीलिए आप, अब मैंने आपको देखा वहाँ से, आप बैठे थे तो मैंने कहा आपसे चलें बात करें, लाइक जान पहचान करते हैं, हो सकता है हम एक दूसरे के काम आ जाएं कभी। नाम क्या आपका? सुष्मिता विश्वास। हाँ। कुमार विश्वास वाला तो बिल्कुल नहीं है ना, वो कुमार विश्वास अलग है, बट हमारे अंदर विश्वास है कुछ, वो हमारे अंतर आत्मा। विवेक नाम है हमारा। कम्प्लीट विवेक मिश्रा। मिश्रा जी हैं? हाँ मिश्रा जी हैं। आपको कैसे पता हम इलाहाबाद से? बस पूछे हैं आपकी भाषा। अच्छा, तो आप तो सच में एकदम रियल लाइफ में घुसते जा रहे हो। वैसे हम, हमारा जो होम टाउन है वो इलाहाबाद ही है, रहने वाले हम नवाबों के साथ लखनऊ में, हमारी कर्म भूमि दिल्ली है, और भी कई जगह रहा हूँ, बंगलोर। करते क्या हो? करता क्या, आप जैसे लोगों को से बात करता हूँ, ऐसे लोगों को इम्प्रेस करता रहता हूँ। जॉब शॉप है या नहीं? बस ऐसे इंजॉयमेंट के लिए, ऐसे खाली था। वैसे इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हूँ, पैसे से सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। अर्निंग सोर्स वो है? हाँ बढ़िया है, गूगल में काम भी कर चुका हूँ काफी टाइम। वैसे मैं थोड़ी सी एक लाइन बोलना चाहता आपके लिए, आप पहले तो बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। मतलब काफ़ी लेजेंड, मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास वो एग्जैक्ट वर्ड शायद ना मिले। जैसे मैं पूछ लेता हूँ डायरेक्टली, आपकी एज क्या होगी? एज नहीं बताया, लड़कियों एज अपने बताती नहीं। मैं आपको बता दूँ, 25+। ये तो तुम जस्ट बोलते हो ना इम्प्रेस करने के लिए, नहीं सच में आप ऐसे ही लग रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपका ये मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, कमाल का है आपका ड्रेस, सेंस ट्रेडिशनल यूनिक है। हाँ मतलब बेहतरीन लग रहा है। तो कभी हमें आपके साथ एक्टिंग करने का मौका मिलेगा? थिएटर करते हो? कभी किया? नहीं कभी किया नहीं, बट मैं ट्राई करना चाहूँगा। कर सकते हैं। तो मैं क्या, उसमें मुझे कौन सा रोल मिलेगा? बट मैं पर्सनली आपके साथ करूँ, ऐसा कुछ हो जो जिसमें आपका सीन हो और हमारा हो। पक्का मिलेगा ना? तो एक्टर का रोल हमें दे दीजिए और एक्ट्रेस टाइप, मतलब ऐसा कुछ आप ले लीजिए। हाँ चलेगा। तो मैं कोई ऑडिशन दूँ आपको अभी? ऑडिशन की जरूरत नहीं है, सीखने की तो होती नहीं ऑडिशन। आई ऑल्सो डोंट बिलीव इन ऑडिशंस एंड ऑल। तो एक्टिंग करना है, ये कर क्या रहे हो बैठ के? एक तरह से एक्टिंग नहीं, ये तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इम्प्रेस कर रहा हूँ मैं आपको। एक्टिंग मींस जो एक बात कहूँ आपसे, माना कि हमें एक्टिंग का ए तक नहीं आता, लेकिन ख्वाहिश है कि मैं आपसे बी तक जाऊँ, अगर वहाँ से पूरी हो जाए तो जेड प्लस करके आऊँ। क्या बात है, सीखे कहीं से? सीखा तो नहीं हमने, बस आप जैसे लोग कर देख करके हम यूँ भावनाओं में डूब जाते हैं, कसम से जब आप लोग मिलते हो तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। हिंदी बहुत अच्छी है मेरी, इंग्लिश भी इससे अच्छी है, फ्रेंच भी आती है, रशियन भी आती है, मतलब होल इतने टैलेंटेड बंदे से मैं मिल रही हूं। नहीं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप जैसे किसी ऐसे से मिल रहा हूँ जो को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक अच्छा ऐसा है। एक्टिंग करना चाहते हो? हाँ मैं बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन मैं एक्टिंग तभी करूँगा जब आप उसमें एक्ट्रेस का रोल करोगी। ऑब्वियसली मैं करूँगी तभी उसमें तुम्हें मौका मिलेगा। हाँ तो बढ़िया, फिर हम साथ में करेंगे कुछ, मेरे को आपको मतलब प्रपोज करने का मौका मिलेगा सबसे, लिए मैं इसीलिए घुसू, बस मेरा कभी कर दूँ। फाइनली आप मेरे को अच्छी लग रही है। नहीं नहीं मैं एक बात कह रही हूँ, स्टेज में सिर्फ प्रपोज करने के लिए आना है। मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, बट मेरे को आपको प्रपोज करना है। बता दे सच्ची, सचमुच थिएटर में कोई पैसा नहीं है। ठीक है मुझे पैसे नहीं, अच्छा वर्ल्ड की वहाँ सच में टैलेंट तो है, पैसे नहीं है मेरी। ओके आप कंप्लीट कर लो फिर मैं बोलूँ मेरी एक, अभी अगर मालूम होना चाहिए सभी लोगों को जो भी जनता है कि थिएटर इज सच अ प्लेस कि लोग ना वहाँ काम करने आते, लाइक और भी यंगस्टर्स लोग आते हैं एक ड्रीम लेके आते हैं लाइक थिएटर वर्ल्ड में काम करने के लिए, बट एक हद तक क्या होता है, एक हद तक ही वो कर पाते हैं। कि मैं जो थिएटर जैसे अपना शुरू किया अनिमा थिएटर के नाम से है, उसमें ना जो आर्टिस्ट आया है, आई जस्ट वांट कि ना सबको पे कर पाओ, इतनी मेहनत लगती है ना, तुम बिलीव नहीं करोगे, इसलिए बेटर है थिएटर से दूर रहो। अच्छा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, माना कि लोगों का सपना होगा थिएटर पहुँचना, मेरा सपना सिर्फ है आप तक पहुँचने का जरिया है। ग्रेट ग्रेट,
बाकी मेरा एक दिन का जो चार्ज आता है वो 50+1000 होता है। मैं दिन में इतने कमा लेता हूँ कहीं से कैसे करके मैनेज करके, बट हाँ आई आई टी एन तो 50+ कमा लेता हूँ, बट मैं सब कुछ साइड कर दूंगा बट दो दिन के काम के लिए। इतना कमा लेते हो, चलो मैं थिएटर वगैरह स्पॉन्सर करूँ ना शो तो बिल्कुल, लेकिन हमें आपको देखने का मौका तो मिले फाइनली यार, हम आपको वेट कर देखना चाहते हैं। स्पॉन्सर करो मेरे, क्या स्पॉन्सर है मैं कर दूंगा, चलिए बताइए। अच्छा मैं मुझे आपसे एक बात बोलनी थी डायरेक्टली, पहले मेरा सूज कैसा लग रहा है बताइए। अच्छे हैं, आई डोंट हैव एनी आईडिया अबाउट ब्रांड्स एंड ऑल, डोंट आस्क मी। हां अगर आपको चाहिए तो 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा एडिडास शोरूम में यार, मेरा कोड यूज कर लो। मैंने बहुत इच्छा है लाइक, मतलब लोग हैं हमारे जो एज के बंदे होते हैं 23-24 वाले, वो लड़कियों को डेट करना चाहते हैं, मतलब डेटिंग वेटिंग ऑल तो आम चीज है, बट मैं आप जैसे किसी लेजेंड को डेट करना चाहता हूं। अच्छा लगा मुझे आपकी जो तहजीब है, तमीज है और आपका जो डिसेप्शन है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। तो मैं आप जैसे किसी को, मतलब आपको ही फाइनली डेट करना चाहता हूँ, तो कितने परसेंट चांसेस हैं? कह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके अच्छा एक चीज़ मेरे को और पूछनी थी, मतलब एज कुछ भी एज मैटर डजंट मैटर, एज राइट। कॉफी पसंद है आपको? कॉफी सच बताओ तो कॉफी पसंद नहीं। स्टारबक्स तो ऐसे ही लोगों के साथ तो फिर यार बढ़िया से पसंद ही नहीं है मुझे। क्या पसंद है आपको? लेमन बटर बहुत पसंद है, सोडा, लेमन सोडा। मेरे लिए बहुत सौभाग्य है कि मैं आपकी आंखों को इतनी देर तक देख पाया। क्या बात है, सच बता रहा हूँ। ट्रेनिंग दो ना ये तुम्हारे बोलने की जो कला है ना, मैं तो आपके आर्ट है पता ना, ये पता नहीं क्या है मुझे नहीं पता, मैं तो आपकी जो बातें हैं, आपकी जो आंखें हैं, मैं अपनी तस्वीरें बसा के कुछ लफ्जों में बयां करना चाहता हूँ जो काफी लोग सुने। कितना को ये पहले सुना चुके, देखो मेरे लिए यूनिक होना चाहिए, पता मेरी ना एक आदत है नया सुनने की। हाँ, मुझे वो जो लोगों को सुनाया सुनाया है ना वो नहीं सुन, नहीं सच में वैसे चिपकाया तो बहुतों को है, लेकिन आपके लिए कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, जस्ट कीडी यार, मैं आपके लिए अपनी फीलिंग में आया कर रहा हूँ। अच्छा चले, माना कि बहुत मिले होंगे मुझे राहों पे, माना कि बहुत मिले होंगे मुझे राहों में, हाँ बिछड़े भी बहुत होंगे, लेकिन कसम से कहूँ ना आप पहले हो जिसे बात करने के लिए मुझे सोचना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। आप मुझे अपना नंबर दे दो स्पॉन्सर का, फ्रेंडशिप के लिए पहले दो स्पॉन्सर्स मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल, स्पॉन्सर्स नहीं मिलते मैं कर दूंगा यार, स्पॉन्सर मेरे लिए बड़ी बात नहीं, आप जैसे लोगों से बात करने का और डेट करने का मौका मिले, स्पॉन्सर के हम पता नहीं क्या क्या करने। देखो जब भी शोज देखने जरूर पक्का, आप अपना नंबर हमें दे दीजिए तो व्हाट्सएप नंबर, कोई बात नहीं है व्हाट्सएप पर कुछ भी हो, कॉन्टैक्ट तो आपसे हो जाएगा ना, डेट तो हम आपको करेंगे, ये तो मेरा वादा है आपसे। हाँ पक्का, कहाँ पे भी जो भी आपका मतलब दिल करे। ओके तो कॉफी पक्का, हाँ डन, मेरी तरफ से डन। कैसी स्पॉन्सर दे दूंगा यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है अपन के लिए, कितना लगता होगा छोटा मोटी बात। खुशनसीब हूँ मैंने एंट्री किया और तुम खुशनसीब तो मैं हूँ जो मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। मुलाकात हुई, मैं बहुत क्या बोलूँ, मेरे पास वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। एक बार मेरे को दिल कर रहा है कि मैं आपको प्रपोज कर दूँ, लाइक एक बार मैं प्रैक्टिस कर लूँ। प्रपोज होता है क्या, पहले ये समझा। प्रपोज का मतलब ये होता है कि जब दो लोग मिले ना, ये आँखें होती हैं सिर्फ उसी को देखो जिसे देखना चाहिए, उस समय जब दिल में थोड़ी सी फीलिंग आए ना तो जज्बात दिल में, वो जज्बात ख्वाब तकल्लुफ अंदर की दबी हुई चीज़ें बाहर आनी चाहिए, शब्दों के माध्यम से उसके दिल तक पहुंचनी चाहिए, जो उसके हार्ट बीट में रंग रगों में कहते खून बनकर दौड़नी चाहिए, तो वो मैं कहना चाहता हूँ। अभी तो फिलहाल एक कॉफ़ी। कैमरा नाइस टू मीट यू, नोटी हो।